भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बड़ा बयान दिया है अल्पसंख्यकों को लेकर। उनका साफ कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगा। हमारे साथ में इस समय बसपा नेता इमरान मसूद साहब हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान साहब, ये बताएं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान जो है सपा के साथ नहीं जाएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा, बल्कि अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के साथ जाएगा। देखिए, पता नहीं वाजपेयी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है। क्या तो उनको लगता है कि क्योंकि जिस तरह से वो बयान देते हैं भाजपा के नेता आजकल, के सारे चुनाव वो पहले से तय करके रखते हैं। सहारनपुर में बयान दिया सब लोगों ने कि सहारनपुर 8,000 से भाजपा जीत जाएगी और भाजपा 8,000 से ही जीत गई, अब सारा मुसलमान वोट कांग्रेस में चला जाएगा। तो भाजपा के लोगों को मुझे लगता है ईवीएम के ज्ञाता ये बहुत ज़्यादा हैं और ईवीएम की सारी चीज़ें जो पहले ही ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए बयान देते हैं इस तरह के। अच्छा, सपा को कहीं ना कहीं हल्का दिखाना एक कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज भी है इस बयान में, तो सपा से मुसलमान वोटर का दूर होना, उनके हिसाब से कांग्रेस के साथ जाना, इसके पीछे सियासी मायने किस तरह देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। समाजवादी पार्टी मुसलमान का ना भला कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमान रह करके चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। एक सवाल इससे इतर इमरान साहब, जो मुरादाबाद में हिंसा हुई थी 1980 में, उसकी एक रिपोर्ट आई 1983 में, उस रिपोर्ट को अब सदन में पटल पर रखा जाना है 40 साल के बाद, किस तरह से देखें? मलियाना की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी जा रही है? मलियाना की रिपोर्ट तो बहन जी ने रखी थी, तो आप 83 के दंगे की रिपोर्ट अब रखने का काम कर रहे हैं, तो 83 के लोग जिम्मेदार थे। अब वो जो 83 में जिम्मेदार थे उनमें से कोई भी नहीं है। अब ये पकड़े मुर्दों को उखाड़ करके बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं बची हैं। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं है। ना रोटी पे बात करेंगे, ना रोज़गार पर बात करेंगे, ना लोगों की बुनियादी सहूलियत के ऊपर बात करेंगे। आप केवल हिंदू और मुसलमान कर करके, और आपने कर्नाटका के अंदर मुँह की खा भी ली है। आप देश बात करना चाहता है तरक्की के ऊपर, बात करना चाहता है रोज़गार के ऊपर, रोजी रोटी कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर, उसके अलावा इधर उधर की बात करेंगे तो फिर कर्नाटक जैसा ही हाल होना है। एक आखिरी सवाल, आज मायावती जी की बैठक हुई, आप लोग मौजूद रहे, एक घंटा करीब बैठक चली सब पदाधिकारी, उसके बाद अलग अलग जो मंडल प्रभारी हैं उनके साथ फिर बैठक हुई, क्या खास निर्देश आप लोग को मिले? देखिए, बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि सब लोग मिलकर आपस में, जो अगर पार्टी के अंदर भी कुछ आपस में मनमुटाव साथियों में, उनको दूर कर बिना हतोत्साहित हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार करो। हमें 2024 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ लड़ना है और मजबूती के साथ खड़ा होना है। इसके लिए हमें बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है, और बूथ लेवल पर जो ख़ास तौर से भाजपा के लोग जिस तरह से गड़बड़ी करते हैं, उस गड़बड़ी से निपटने के लिए हमें बूथ लेवल के संगठन को मजबूत करना है। यानी कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं, जो चीज़ें रहीं, उन सबको आधार लेके उनकी समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति, निश्चित रूप से हमने आगे की रणनीति मजबूत बनाने के लिए बहन जी के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और उन्हीं के ऊपर हमारे बसपा के कार्यकर्ता काम करेंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। क्या संगठन में कोई फेरबदल भी आगे देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो फैसला बहन जी का है। देखिए, बहन जी जब चाहे जिसको चाहे जहां लगा के जो उपयोगिता है उसके हिसाब से लगाती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। किसी विशेष वोट बैंक पर नज़र, क्योंकि इधर देखा गया कि अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में नगर निगम में टिकट दिए गए। अभी आपने भी एक जिक्र किया था दलितों के और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ का, सहारनपुर का उदाहरण देखे, तो क्या किसी विशेष वर्ग पर विशेष फोकस भी रहेगा? देखिए बहन जी, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करती हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अगर सही मायनों में शिकस्त देना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बनना पड़ेगा, बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा मुसलमान को। मुसलमान को दलित की तरह बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये संभव होगा कि हम भाजपा को शिकस्त दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में बसपा नेता इमरान मसूद, कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।